गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में बताने वाली हूँ मैं आपको कि हाउ कैन यूज स्किन क्राफ्ट प्रोडक्ट। हाँ जी गाइस, जो स्किन क्राफ्ट प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा आजकल वायरल है, बहुत लोग इसका यूज कर रहे हैं, बहुत लोगों को अच्छा रिजल्ट आ रहा है और बहुत लोगों को ये ज़्यादा इफेक्ट भी कर रहा है स्किन क्राफ्ट ये प्रोडक्ट। लेकिन क्या आपको पता है कि इसे सही प्रॉपर वेज में कैसे यूज करते हैं? तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि आप स्किन क्राफ्ट प्रोडक्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले ये हमें बॉक्स में चार प्रोडक्ट मिलते हैं। जब फर्स्ट है स्किन क्राफ्ट क्लींजर, द सेकंड है आपको लाइटनिंग सीरम, स्किन क्राफ्ट लाइटनिंग सीरम, एंड थर्ड वन इज दिस रिपेयर जेल, बैरियर रिपेयर जेल, एंड द फोर्थ वन इज नाइट सीरम, स्किन क्राफ्ट नाइट सीरम। अब इसे हमें यूज कैसे करना है गाइस इन प्रॉपर वेज में। अगर गाइज आप स्किन क्राफ्ट का क्लींजर यूज करते हो तो आप अपने सारे क्लींजर को अभी ऑफ बंद कर देना यूज करना, और सबसे पहले आपको हर मॉर्निंग और इवनिंग में आपको ये स्किन क्राफ्ट का क्लींजर यूज करना है। आपको इसको इस पॉम्प से मदद से आपको अपने थोड़े से फिंगर टिप्स पे लेके, पाम्प्स पे लेके आपको चेहरे पे 2 से 3 मिनट तक आपको मसाज करना है। उसके बाद आपको पानी से धो लेना है। गाइज ये काफ़ी अच्छा क्लींजर है। अगर आप इसको फेस पे लगाते हो तो आपको लगाने के बाद फेस काफ़ी सॉफ्ट एंड काफ़ी ग्लोइंग दिखता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट दिखता है गाइज। तो आपको इसको 2 टाइम यूज करना है इस क्लींजर को, मॉर्निंग और इवनिंग। एंड अब मेरा जो सेकंड प्रोडक्ट है गाइज, ये रिपेयरिंग जेल आपको देते हैं, जो लाइटनिंग सीरम, सॉरी स्किन क्राफ्ट का लाइटनिंग सीरम। इसको गाइज आपको एक दिन में एक ही बार यूज करना है, आपको ये 2 टाइम यूज नहीं करना है। तो आप अपने फेस पे इसको 10 मिनट तक लगा के छोड़ देना। आपको पहले 1 मिनट तक आपको इस जेल से मसाज करके 10 मिनट के लिए अपने चेहरे पे छोड़ देना है। उसके बाद गाइज आपको अपना फेस क्लींजर से धो लेना है। ये आपको दिन में एक बार करना है, यानी आपको हर एक दिन एक ही बार करना है इसको, मॉर्निंग और इवनिंग नहीं करना है, सिर्फ 1 टाइम करना है। और गाइज द थर्ड ये मॉइस्चराइजर, जो आपको बैरियर रिपेयर जेल मॉइस्चराइजर स्किन क्राफ्ट का, आपको इसको कैसे यूज करना है? आपको जस्ट आपको क्लींजर से जब फेस को आप वॉश करते हैं स्किन क्राफ्ट से, तब उसके बाद आपको इस मॉइस्चराइजर को यूज कर लेना है। जब आप फेस को अपने स्किन क्राफ्ट क्लींजर से आप जब वॉश करते हैं, उसके बाद आपको अप्लाई करना है ये बैरियर रिपेयर जेल मॉइस्चराइजर। इससे आपका स्किन जो सॉफ्ट रहेगा और बैलेंस बना रहेगा स्किन का, और स्किन काफ़ी सॉफ्ट दिखेगा। तो आपको स्किन क्राफ्ट का ये मॉइस्चराइजर है, आपको स्किन क्राफ्ट के फेस वॉश यूज करने के बाद ही इसको यूज करना है। और जो गाइस जो फोर्थ प्रोडक्ट है, ये सीरम आपको दिया गया है स्किन क्राफ्ट का, ये आपको ये बॉक्स के साथ एक एज लॉक सीरम देंगे स्किन क्राफ्ट का। आपको इसे यूज कैसे करना है? आपको हर नाइट में अपने फेस को वॉश करने के बाद इस सीरम को अप्लाई करना है। आपको कंटिन्यू आप डेली इसको अप्लाई कर सकते हो स्किन क्राफ्ट सीरम को, और ये आपके एज को कम करता है, ये एज लॉक सीरम है। तो जो भी आपके आसपास में रिंकल्स है आपके फेस पे, और जो भी आपको टैनिंग की प्रॉब्लम है, तो अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपका ये हल्का होगा और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत अच्छा काम करता है। तो आप ये 4 प्रोडक्ट को आपको समझ में आ गया गाइस आपको कैसे यूज करना है पर वेज में। तो इसका रिजल्ट अगर आप 1 से 2 महीने यूज करते हो तो रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि 7 to 8 days में रिजल्ट, तो ये रिजल्ट इतना अच्छा नहीं देगा 7 to 8 days में, इसका थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा 1 month के लिए। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट ये ज्यादा खराब नहीं है, अच्छा है, ये आपको रिजल्ट देगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो आई होप मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कि हाउ कैन यूज दिस स्किन क्राफ्ट प्रोडक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।